कंडागार टैक्सी यूनियन में टैक्सियां नहीं चली। सभी टैक्सी चालक न केवल हड़ताल पर रहे बल्कि उन्होंने कंडागार से किसी भी टैक्सी को निकलने का मौका नहीं दिया। टैक्सी चालकों द्वारा ये हड़ताल इसलिए की गई क्योंकि वे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं वे टैक्सी चालकों के हित में नहीं हैं, जिसके वजह से आम टैक्सी चालक का घर चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। ये हड़ताल राष्ट्रीय परमिट का शुल्क बढ़ाने, पैनिक बटन का अनिवार्यता एवं चालान के भारी जुर्माने सहित अन्य मुद्दों के विरोध में आयोजित की गयी। इस मौके पर देवभूमि टैक्सी यूनियन सोलन के जिला उपाध्यक्ष अजय परिहार ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से उनका काम पहले ही बेहद कम हो चुका है, घर का चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने टैक्सियों के टैक्स कई गुना बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते उन्हें रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। इसलिए उनके द्वारा सांकेतिक हड़ताल की गई। अगर सरकार इन नियमों में कोई बदलाव नहीं करती तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से सहयोग की अपील की है। पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार। मैं सोलन कार्यकारिणी का उपप्रधान कंडागार्ड से, और मैं सभी भाइयों को ये अनुरोध करूंगा कि आज हमारी जो 22 तारीख की एक हड़ताल की गई थी, तो उसमें सभी भाई हमारा बढ़ चढ़कर सहयोग दें, ताकि जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऊपर जो ये ढोप रखा है कि 25,000 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से टैक्सीज है, तो उसके बारे में कुछ उस विषय में कुछ जानकारी सभी को भाइयों को देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि सभी भाई हमारा साथ दें, ताकि हम अभी पहले ही लॉकडाउन की वजह से दयनीय स्थिति में है, और आगे के लिए चाहूँगा कि कुछ हमारा भी सरकार हमारे बारे में सोचे। तो सभी भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा कि जितने भी भाई हैं मेरे, वो सभी भाई ज़्यादा तादाद में आ गए और इस हड़ताल को हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।